टेलीकास्ट होने वाला पॉपुलर सीरियल बैरिस्टर बाबू ने। जी हाँ, इसके कई ज्यादा एपिसोड पूरे हो चुके हैं। अब नई बॉन्दिता की भी एंट्री होने वाली है। वहीं शशि सुमिता प्रोडक्शन के बैनर तले बना ये सीरियल जेंडर असमानता पर आधारित है। ये सीरियल आजादी से पूर्व बाल विवाह, वेश्याओं की समाज से स्थिति, विधवाओं के प्रति लोगों की मानसिकता, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिलाने लड़ाई पर केंद्रित है। वहीं बता दें, यहाँ पर 9 साल की बॉन्दिता की शादी लंदन से पढ़कर आए बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी से हुई है। समाज से जुड़े सवालों को जब पूछने वाली बॉन्दिता तर्क में किसी को भी हरा देती। बॉन्दिता का किरदार आरो भटनागर निभा रही थी। वहीं जानते हैं इनसे जुड़ी खास बातें। इनको डांसिंग एक्टिंग का शौक है। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा खाली समय में वो किताब पढ़ना पसंद करती है। पूरे परिवार के साथ मुंबई में रहने वाली अपने पिताजी के साथ योग सनों में भी हाथ आजमाती हुई नजर आ चुकी हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 80,000 से भी लोग ज्यादा इस बॉन्दिता को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही आलीशान जिंदगी जीती है बॉन्दिता। वहीं सिर्फ और सिर्फ 9 साल की है, लेकिन इनकी कमाई बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इनके पास खुद की पर्सनल कार है। वहीं बॉन्दिता के पेरेंट्स ने कहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बेटी कमाए या ना कमाए, लेकिन हमारी बॉन्दिता को खुद एक्टिंग का इतना शौक है कि वो हर समय किसी न किसी सीरियल में आना चाहती है। वहीं आपको बता दें, इनको पर एपिसोड का 35,000 रुपया मिलता है। जी हाँ, वो पर एपिसोड के 35,000 रुपये कमाती हैं और वही हफ्ते में पूरे के पूरे 5 दिन शूटिंग करती है। वहीं सूत्रों की माने तो इनकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है। ये कम से कम अकेली बच्ची खुद ही 5 करोड़ रुपए की मालकिन है। ये अब तक कई सीरियल्स में काम कर चुकी है, लेकिन अब जल्द ही बैरिस्टर बाबू से जाने वाली है। इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ की रिपोर्ट। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।